एक गांव में रामधन नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी लाख मेहनत के बाद भी उसके घर का गुजारा पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था। इसके लिए वो अब दिन रात अपने खेतों में मेहनत किया करता, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद उसके खेत सूखे पड़े थे। रामधन इसका कारण नहीं समझ पा रहा था। तभी उसकी नजर खेतों से सटे नीम के पेड़ पर पड़ी। यही है जिसने मेरे खेतों की नमी को सोख रखा है, मुझे इसे यहाँ से उखाड़ना होगा। यही सोचकर रामधन सुबह सुबह अपने फावड़े को साथ लेकर नीम का पेड़ उखाड़ने अपने घर से खेतों की ओर चल दिया। वो अपने फावड़े से पेड़ की जड़ों पर चोट कर रहा था, लेकिन पेड़ों की जड़ों पर चोट करते करते कब उसके हाथों से एक नाग मर गया उसे पता ही नहीं चला। रामधन मारे डर अपने घर की ओर चल दिया। उस पेड़ की जड़ों में एक नागिन भी थी। गनीमत ये थी कि नागिन रामधन के फावड़े की चोट से बच गई थी। वो अपने मरे हुए सांप को देखकर बिलक बिलक कर रोई। हाय, मुझसे छीन लिया मेरा सुहाग। इसने किसी का क्या बिगाड़ा था, अब मैं अकेली कैसे जीऊंगी। फिर तारा क्रोधित होते हुए बोलती है, नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरे पति की बलि ली है, मैं इसके सारे खानदान की बलि लूंगी। फिर तारा रोते रोते अपने पति की लाश को दफन करती है और रामधन के घर की ओर चल देती है। रामधन अपनी पत्नी और लड़की कमला के साथ घर में बैठा रूखी सूखी रोटी खा रहा था। उन्हें हंसी खुशी खाना खाते देख नागिन और क्रोध में आ गई। वो मन ही मन कहती है, मेरे पति को मार कर अपने परिवार के साथ सुख से रह रहा है, मिट्टी में मिला दूंगी मैं इस परिवार की सारी खुशियों को। अब देखना एक नागिन का इंतकाम। अगले दिन जब सुभद्रा जंगल में लकड़ियां बिनने गई, तब वहां तारा ने उसे डस लिया। गांव वालों को सुभद्रा की नीली पड़ी लाश वहां मिली। उसे लेकर वे रामधन के घर आए। रामधन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। वो दहाड़ मारकर रोने लगा। तभी वहां कमला आती है और अपनी माँ के शरीर को हिलाते हुए कहने लगती है, माँ माँ उठो, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। मगर सुभद्रा ना उठी। देखो ना बापू, माँ नहीं उठ रही है, माँ को बोलो ना बापू कि मुझे कुछ खाने को दे। रामधन से कुछ नहीं बोला गया। उसने कमला को सीने से लगा लिया और सिसक सिसक कर रोने लगा। साल बीता, अब कमला भी अपने बापू के साथ खेत पर जाती थी। घर में अकेले रहती भी तो किसके साथ। इस साल बारिश खूब अच्छी हुई और फसल भी बहुत अच्छी हुई। अब रामधन को किसी बात की कमी नहीं रही। एक दिन, अरे रामधन, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, अब तुम भी दूसरी शादी कर लो, इससे घर को नई मालकिन मिल जाएगी और कमला को माँ। कैसी बातें करते हो बिरजू, अब क्या मेरी शादी की उम्र है? अरे उम्र बहुत है, तुम कहो तो मैं कहीं बात चलाऊं। लेकिन रामधन ने बात को टाल दिया। उस दिन तो रामधन ने बात को टाल दिया, मगर एक तो खेती का काम, ऊपर से कमला की देखभाल उससे ठीक से नहीं हो पा रही थी। एक दिन रामधन एक औरत से शादी करके उसे अपने घर ले आया। ये औरत कोई और नहीं, तारा ही थी, जिसने औरत का रूप धरकर रामधन को अपने जाल में फंसा लिया था। कमला, अरे ओ कमला, अरे देखो तो बिटिया, मैं किसे लाया हूँ। कमला उछलती कूदती वहाँ आती है और तारा को देखकर कहती है, ये कौन है बापू? ये तुम्हारी माँ है बेटी, और आज से तुम्हारे साथ ही रहेगी, ठीक है? कमला माँ कहते हुए दौड़कर तारा से लिपट जाती है। तारा के जी में तो आया कि तुरंत ही कमला को डस ले, मगर अपने मन के भावों को छुपाकर वह कमला को गले से लगा लेती है। तुझे तो तिल तिल कर मारूंगी मैं, माँ की बच्ची। उस दिन से तारा का असली खेल शुरू होता है। सुबह सुबह रामधन तो खेतों पर चला जाता था, उसके जाते ही तारा कमला पर तरह तरह के जुल्म ढाती थी। बात बात पर मारना और खाना ना देना तो आम बात थी। वो कमला से इतना काम करवाती थी कि बेचारी थकान से चूर होकर रामधन के आने से पहले ही सो जाती थी। एक दिन जब रामधन खेत पर काम कर रहा था, तब बिरजू वहां आता है।
रामधन, दिन भर खेतों में ही लगे रहते हो, कभी अपने घर की भी सुधी लिया करो। क्या हुआ भाई? तुम्हारी वो जोरू ने उस मासूम बच्ची पर बेतहाशा जुल्म किया हुआ है भाई, है? सारे काम तो उससे करवाती ही है, ऊपर से मारती पीटती भी है सो अलग। उस बच्ची का रोना सुन मोहल्ले वालों का दिल पसीज जाता है, और तुम हो कि पत्थर बने हुए हो। ये बात सुन रामधन का दिमाग भक से उड़ जाता है। इस बात की सच्चाई पता करने वो उस दिन समय से पहले घर पहुंच जाता है। उस समय तारा कमला को बेत से पीट रही थी। नालायक, तुझसे दो चार कपड़े नहीं धोए गए ठीक से? ये तूने कपड़े साफ किए हैं? ये देखकर रामधन की आंखों में खून उतर जाता है। वो पागलों की तरह भागता हुआ आता है और तारा के हाथों से बेत छीन लेता है और उसे बेतहाशा पीटते हुए कहता है, नीच, जिस बच्ची को मैंने आज तक फूल की छड़ी से नहीं छुआ, जिस बच्चे के लिए मैं तुझे इस घर में लाया हूँ, उसी पर जुल्म ढा रही है। हरामखोर, निकल जा मेरे घर से। मार खाते हुए तारा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले कि वो नागिन का रूप धर कर रामधन को डस लेती, कमला उसे बचाने के लिए उससे चिपट जाती है। नहीं बापू, माँ को मत मारो, माँ को घर से मत निकालो, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। यह देख बेईमान, जिस पर तू जुल्म पर जुल्म ढाती रही, वही आज तुम्हारे लिए रहम की भीख मांग रही है। तारा को गुस्सा अब खत्म हो चुका था और मन पश्चाताप से भर गया था। हे भगवान, ये मुझसे कैसा पाप हो गया? पहले मैंने इससे इसकी माँ को छीन लिया और अब इसके जीवन में जहर घोल रही हूँ। फिर तारा रोते रोते कमला से कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं भटक गई थी, मेरे इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है, बस मुझे एक मौका दे, मैं अपनी बच्ची को बहुत प्यार देना चाहती हूँ, मैं अपनी बच्ची के दामन को ममता के फूलों से भरना चाहती हूँ। तारा की बातें सुनकर रामधन की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से तारा ने नागिन का रूप हमेशा के लिए त्याग दिया और कमला को अपनी संतान की तरह पालने लगी। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं।